नमस्कार दोस्तों, अब कुछ ही दिन रह गए हैं नया साल 2023 शुरू होने को। नया साल आने से पहले कई नई चीजों को घर में लाते हैं, इन्हीं चीजों में से एक है कैलेंडर। नया साल शुरू होते ही ऑफिस, घर आदि जगहों पर कैलेंडर लग जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार नए साल में नया कैलेंडर लगाने से घर में सुख शांति के साथ प्रगति आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कैलेंडर लगाते समय दिशा के साथ कुछ वास्तु नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी होता है। कहते हैं कि अगर सही दिशा में कैलेंडर लगाया जाए तो व्यक्ति के दुर्भाग्य का नाश होता है, वहीं घर की सही दिशा में कैलेंडर ना लगाया जाए तो ये व्यक्ति के दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कैलेंडर से जुड़े कुछ जरूरी वास्तु नियम। सबसे पहले आपको बता दें कि कई लोगों की आदत होती है कि नया कैलेंडर लगाने के बावजूद भी पुराना कैलेंडर को फेंकने के बजाय घर में ही रख लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में रहने वाले सदस्यों की प्रगति रुक जाती है, इसके साथ ही नेगेटिव एनर्जी अधिक पैदा होती है। इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी की तरह ही कैलेंडर भी समय का सूचक माना जाता है, इसलिए इसे लगाते समय दिशा का ध्यान देना बेहद जरूरी है। अब दिशा की बात आई है तो बता दें कि कभी भी दक्षिण दिशा में कैलेंडर ना लगाएं, इससे घर में रहने वाले सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही तरक्की के राह बंद हो जाते हैं। दक्षिण दिशा के अलावा कभी भी कैलेंडर को ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जहां पर अधिक हवा हो, क्योंकि तेज हवा से कैलेंडर का उड़ना अच्छा नहीं माना जाता है, इससे आपके जीवन में कष्ट आते हैं। इतना ही नहीं, घर के प्रवेश द्वार के पास भी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे घर में प्रवेश होने वाली सकारात्मक ऊर्जा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए अब आपको बताते हैं कैलेंडर किस दिशा में लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की मिलती है। इस दिशा में लाल, गुलाबी, भगवान या फिर उगते हुए सूर्य वाला कैलेंडर लगाना शुभ होता है। आगे आपको बताते चले कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में भी कैलेंडर लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा को बहाव की दिशा माना जाता है। ऐसे में इस दिशा में लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों को हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है। बता दें कि शास्त्रों की माने तो पश्चिम दिशा के अलावा उत्तर दिशा में भी कैलेंडर लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा के स्वामी कुबेर जी हैं। ऐसे में इस दिशा में कैलेंडर लगाने से सुख समृद्धि और धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। आप चाहें तो साधारण कैलेंडर या फिर विवाह, झरना, हरियाली आदि वाले कैलेंडर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आने वाला नया साल सुख से बीते तो कैलेंडर से जुड़े इन वास्तु नियमों को ध्यान में जरूर रखें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।